हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आज हम देखेंगे मेथड ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, कितने मेथड्स होते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग में है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर आयोजन तथा अनुसूचन के लिए निम्नलिखित उन्नत विधियां अपनाई जाती हैं। मतलब कोई भी जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें कौन कौन सी आयोजन के क्या क्या तरीके होंगे, क्या मतलब कौन सा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें कितने चरण में हमें काम को कंप्लीट करना है, उसी को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। हर अपना जो भी हमारी एक्टिविटी होगी जो भी हमारा एक्टिविटी होगा उसको हम प्रदर्शित करेंगे बाय द यूज ऑफ ग्राफ या एनी अदर टेक्निक्स, जैसे नेटवर्क डायग्राम्स हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं, कई मेथड्स होते हैं, जैसे बार चार्ट है एक मेथड। कितने मेथड्स होते हैं आइए देखते हैं। पहला है चार्टों द्वारा, बाय चार्ट। बार चार्ट को हम बार चार्ट या गैंट चार्ट भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, संशोधित माइलस्टोन बार चार्ट। ये जो है बार चार्ट से ही बना हुआ है। बार चार्ट में कुछ क्या थे डिसएडवांटेजेस थे, उसी को इस वाले माइलस्टोन चार्ट में उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया है, ख़त्म किया गया है। ठीक है, ये है। फिर जब हम इसको पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, बाय नेटवर्क टेक्निक्स। नेटवर्क टेक्निक में क्या कौन कौन सी विधि आती हैं आइए देखते हैं। पहली विधि है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म होता है CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, और दूसरी विधि है कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण विधि, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PERT। ठीक है, इसमें CPM कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह ऑब्जेक्टिव में पूछता है CPM का फुल फॉर्म क्या होता है और PERT का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कई बार SSC JEE सिविल वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बार चार्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, बार चार्ट। ठीक है, परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को चित्र रूप में प्रदर्शित करने से निर्माण कार्यों की प्रगति पर नज़र रखने से अधिक सुविधा रहती है। क्या होता है, बार चार्ट जो हम बना देते हैं उसमें हमें क्या पता चलता है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का एक्चुअल वर्क कैसे चल रहा है, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, या काम डिले चल रहा है, या कौन सा काम में डिले हो रहा है और कौन सा काम जो है जो भी टाइम शेड्यूल में था वो काम जो है हमारा टाइम शेड्यूल के बीच में ही चल रहा है, और कोई कौन सा काम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, जैसे हमने कहा अर्थवर्क का काम जो था हमारा मिट्टी खुदाई का काम करने का काम था, कितने
कितनी अवधि थी, कितने दिन तक काम करना था हमें, 5 दिन तक काम करना था, ठीक है, मान लिया इतना काम करना था। अब हम जब बार चार्ट हमने बनाया, बार चार्ट में हमने देखा कि ये काम तो काफ़ी लंबा जा रहा है, 5 दिन के बजाय 7 दिन लग रहा है, तो हमें बार चार्ट से ये पता चल जाता है कि जैसे मिट्टी खुदाई का काम था इतने दिन का था, लेकिन वो क्या हुआ वो लेट हो रहा है, तो हम अब लेट हो रहा है तो हम उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें या तो लेबर बढ़ाएंगे या फिर एक्स्ट्रा मशीन वगैरह लगा देंगे, जिससे क्या होगा, काम क्या होगा, जल्दी होगा, ठीक है, जल्दी होगा, और फिर लेबर भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, जब मशीन लगवाएंगे जाहिर तो मशीन में लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर बढ़ा देंगे तो काम जो है जल्दी चल जाएगा। जैसे फिर हमें पता चला जो हमें फाउंडेशन में RCC का काम करना था, वो काम था कितने दिन के लिए, वो 6 दिन का, 6 दिन का काम था, लेकिन वो काम कितने दिन में ही हो गया, 5 दिन में हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो हमारे आयोजित अवधि थी 6 दिन, लेकिन अवास्तविक जो में काम कितने दिन में हुआ, 5 दिन में हुआ। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये काम जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो बार चार्ट में यही सब पता चलता है कि काम जो है कैसा चल रहा है, डिले हो रहा है या कौन सा काम की वजह से रुकावट हो रही है। जैसे मान लीजिए जब तक चलो ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं क्या है। अतः क्रियाओं को प्रारंभ करने से समाप्ति तक की अवधि के समय को पैमाने पर एक 36 बार चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये है, यहाँ पे क्या होता है, टाइम जो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो भी हमारा एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, एक्टिविटी है, मान लीजिए ए एक्टिविटी है, ये बी एक्टिविटी है, ये सी एक्टिविटी है, ये डी एक्टिविटी है। इसमें पहली एक्टिविटी मान लीजिए मिट्टी खुदाई का काम है, तो मिट्टी खुदाई का काम को हमने ऐसे दर्शा दिया, ठीक है। और दूसरा जो था हमारा क्या था, ये मतलब ये वास्तविक अवधि है, मतलब कौन सी अवधि है, वास्तविक अवधि है, ये है आयोजित अवधि, मतलब ये 5 दिन का काम था, ठीक है। और फिर हमने यहीं पे इसको सटा के ही हम दूसरी बना देते हैं वास्तविक अवधि, मान लीजिए ये है, और ये जो है आपका, इसको हम पूरा फिल कर देते हैं, ठीक है, पूरा फिल से दिखाते हैं इस वाले को, किसी भी कलर से हम दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है हमें कोई भी कलर यूज करना है, बुक में तो ब्लैक से दिखाते हैं क्योंकि बुक जो, इसको हमें हैचिंग से दिखाना है। ऊपर वाला जो है ये कौन सी अवधि है, ये अवधि है आयोजित अवधि, आयोजित अवधि, और ये है नीचे वाला कौन सा, वास्तविक अवधि, मतलब ये जो भी मिट्टी खुदाई का काम कितने दिन का था, 5 दिन का था, लेकिन काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 5 दिन में ही कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, काम जो है हमारा क्या चल रहा है, सही चल रहा है। अगर यही काम डिले हो जाता तो ये थोड़ा सा आगे बन जाता, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम अपना वो शो करते हैं, ये शो कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 डेज आ जाता, दिनों में आ जाता, ठीक है। अब भी है RCC का काम होना था, फिर ऐसे यहाँ भी बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पट्टी को बायां छोर क्रिया का प्रारंभ तथा दायां छोर इसका समापन दर्शाता है। जैसे क्या होता है, आइए समझिए, समझते रहेंगे आप लोग तो एग्ज़ाम में बना के। बायां छोर ये क्या, ये वाला क्या बता रहा है, प्रारंभ हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, और ये वाला छोर क्या बता रहा है, कार्य जो है समाप्त हो रहा है, ठीक है। ये समझते रहिए आप लोग। और समय घंटों दिनों सप्ताहों या महीनों किसी में भी लिया जा सकता है, परंतु एक चार्ट में सभी क्रियाओं की समय की इकाई एक ही लेनी होती है। जैसे कि माना ये है कोई भी अवधि है, और ये हमने क्या डेज लिया, अगर हम दिन में ले रहे हैं तो दिन में लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हमने इधर डे ले लिया, फिर इधर हमने मंथ ले लिया, 1, 2, 3 मंथ ले लिया, ऐसा नहीं करेंगे। यूनिट जो है हम सेम रखेंगे, ठीक है, नीचे यूनिट जो है हमेशा से एक ही यूनिट लेंगे। अगर मंथ में ले रहे हैं मंथ में ले कर चलेंगे, अगर डेज में ले रहे हैं डेज में लेंगे, अगर हम ईयर में ले रहे हैं तब हम क्या करेंगे, ईयर में ही लेंगे, ठीक है। और इधर जो भी एक्टिविटी हमें दिखानी ABCD उसको हम दिखाते रहेंगे, और ये जो है अपना बार चार्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। परंतु एक चार्ट में सभी क्रियाओं के समय की इकाई एक ही लेनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख ही लीजिएगा।
अब इस विधि को सन 1919 को में के लगभग हेनरी एल गेंट्स ने विकसित किया था। कब विकसित हुआ था, ये एसएससी का क्वेश्चन है आपका, एसएससी में आता है, एसएससी में, ठीक है। और किसने विकसित किया था, ये भी एसएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, विकसित किया था। इसको बार चार्ट अथवा ग्रैंड चार्ट भी कहते हैं। बार चार्ट में कार्य की प्रगति भी आयोजित प्रगति के संग संग दिखाई जा सकती है, ठीक है। अतः प्रोजेक्ट की प्रगति विलंब के बारे में तुरंत पता लगता रहता है। मतलब इसमें क्या होगा, एक तरफ जो हमारा ये कार्य चल रहा है, मतलब ये आयोजित अवधि है, अब ये काम करने की मतलब वास्तविक अवधि है ये, ठीक है। ये कौन सी अवधि है, वास्तविक अवधि है, आयोजित अवधि, मतलब 5 दिन का काम था और ये मतलब 4 दिन या डिले हो रहा है, तो हमें क्या हो रहा है, इसका पता चल जा रहा है, डिले हो रहा है या काम जल्दी ख़त्म हो रहा है, ये भी पता चल जाएगा। काम जो है टाइम से शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पूरी जानकारी मिलती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं, ठीक है, बार चार्ट बोलते हैं। बार चार्ट में किसी को और कुछ समझना है तो वो कृपया, बार चार्ट अगर समझ में नहीं आया होगा किसी को तो कृपया कमेंट करके बताएं। इसके आगे मैं चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास अब हम कर लेंगे, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।